तो देखिए ये तो हो गई महाराष्ट्र की बात, लेकिन एक और जगह बवाल चल रहा है जिसको शांत करने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक हुई, इसमें प्रदेश में पार्टी की चुनावी तैयारियों की बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या गहलोत और सचिन के बीच का विवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान पर कांग्रेस की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। सचिन पायलट बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पैरों में चोट की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। करीब चार घंटे चली इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एकजुटता का ऐलान किया। आज का मीटिंग का स्पेशलिटी है पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया, यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बैठक के बाद सचिन पायलट भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने गहलोत सरकार के सामने तीन मांगे रखी थी, जिनमें से दो मांगों को पहले ही माना जा चुका है। गहलोत ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा के लिए कानून बनाया जाएगा। जहां तक वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात है, तो इसको लेकर भी कदम उठाया जाएगा। सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी, इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा। बीते कुछ अरसे से गहलोत और सचिन का टकराव लगभग अपशब्दों तक जा चुका है। इसके पहले भी खींचतान रही, जिसमें पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। चुनाव में चार महीने बाकी हैं, ऐसे में पायलट की भूमिका क्या होगी ये अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वे डिप्टी सीएम जैसा पद लेने को तैयार नहीं, लेकिन क्या उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, ये अगली कुछ बैठकों में तय होगा। नई दिल्ली में उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।